हेलो सुबह, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा आप एडबॉल बॉल के अंदर आप कैसे आधा डिवाइस लॉगिन कर सकते हो आपके फेसबुक अकाउंट के साथ। वही मैं इस वीडियो में फुल डिटेल से आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों तो मुझे फॉलो कीजिए, आप भी तो जान पाओगे किस तरीके से एडबॉल बॉल के अंदर आप आधा डिवाइस लॉगिन कर सकते हो आपके फेसबुक अकाउंट के साथ। तो अभी मैं फिर वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में जो भी न्यू व्यूअर्स हो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं फिर वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो मैं आधा डिवाइस के अंदर और मैं एडबॉल बॉल के अंदर एंटर कर चुका हूं। इधर एंटर करने के बाद देख सकते हो एक आधा डिवाइस के अंदर एक अकाउंट लॉगिन है। तो इसकी प्रोफाइल जो नेम है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसे कैसे लॉगआउट करके आप आपकी अकाउंट इधर लॉगिन करें, तो इधर देखिए जहाँ पर मैं दिखाऊँगा इधर एक सेटिंग की ऑप्शन है। इस सेटिंग पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते हो इधर लॉगआउट की ऑप्शन है। लॉगआउट की ऑप्शन में देखिए रेड कलर की लॉगआउट है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ पेज आ जाएगा, लॉगिन विथ फेसबुक। इस तरीके से कुछ पेज आ जाने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जाना होगा आपकी आधा डिवाइस की जो फेसबुक ऐप है उस फेसबुक ऐप के अंदर। तो अभी मैं आधा डिवाइस के अंदर जो फेसबुक ऐप है उसके अंदर मैं एंटर करूँगा। तो फेसबुक ऐप के अंदर एंटर करने से जो भी फेसबुक ऐप के अंदर एंटर करोगे उसके अंदर कोई भी अकाउंट लॉगिन होगा शायद। तो लॉगिन होने से क्या होगा, तो इसे भी आपको इधर लॉगआउट करना पड़ेगा। तो इधर थ्री लाइन है जहाँ पर मैं दिखाऊंगा, उसमें क्लिक करना होगा। इधर थ्री लाइन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप रोटेट कर लेना। तो नीचे की तरफ रोटेट कर लेने के बाद इधर लॉगआउट की ऑप्शन है, इस लॉगआउट पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद इधर लॉगिन इन्फो आधार अकाउंट, इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो लॉगिन इन्फो आधार अकाउंट इसमें क्लिक करके अब आपकी जो मेन अकाउंट है, जो भी अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो उसकी आईडी पासवर्ड दे के इधर लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं भी दोस्तों इस आधार अकाउंट पे जो भी अकाउंट लॉगिन करना चाहते हूँ उस वो अकाउंट इधर लॉगिन कर लूँगा। तो दोस्तों जो भी अकाउंट में मैं लॉगिन करना चाहता हूँ एडबॉल पोल वो अकाउंट इधर लॉगिन कर चुका हूँ। तो आपकी दोस्तों मेन अकाउंट या दोस्तों जो भी अकाउंट से एडबॉल पोल ओपन करना चाहते हो वो अकाउंट फेसबुक ऐप के अंदर ओपन कर लीजिए। तो ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडबॉल पोल के अंदर एंटर हो जाना है। तो एडबॉल पोल के अंदर एंटर हो जाने के बाद क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से कुछ पेज आ रहा है, तो इधर लॉगिन विथ फेसबुक इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो लॉगिन विथ फेसबुक जो जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद डायरेक्ट और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कनेक्टिंग थोड़ा सा टाइम चाहिए दोस्तों इसे कनेक्टिंग होने के लिए। तो और कुछ भी जगह पर आप लोगों को टैप नहीं करना पड़ेगा, और टैप नहीं करके अब आपकी जो आईडी है वो दोस्तों इधर ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों देख सकते हो मैं बहुत ही तरीके से आधार डिवाइस के अंदर मेरा अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ। तो मुझे फॉलो करके आप भी दोस्तों इसी तरीके से आधार डिवाइस के अंदर आपके अकाउंंट लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मैं आप लोगों को और एक बात मैं बताऊंगा। तो दोस्तों कोई भी आधार डिवाइस के अंदर कोई भी अकाउंट नहीं है या दोस्तों एडबॉल पोल ही नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करें, तो इधर मैं दिखाता हूँ कि क्या आप कर सकते हो। तो आप एडबॉल पोल ओपन करने से इस तरीके से कुछ पेज आएगा। एडबॉल पोल इंस्टॉल करने के बाद इधर लॉगिन विथ फेसबुक अकाउंट इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फेसबुक ऐप के अंदर। इसमें जाके आपकी जो अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो वो आधार डिवाइस के अंदर वो अकाउंट इधर डाल के इधर लॉगिन विथ फेसबुक पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों आप भी दोस्तों इधर आधार डिवाइस के अंदर आपकी फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकते हो।